तो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विनय बायोलॉजी। तो दोस्तों, हमने लास्ट टाइम कॉकरोच में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी थी। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो कॉकरोच का सिंपल नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखना है। मतलब कॉकरोच का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कैसे? आप लोगों ने पढ़ा होगा, फीमेल के केस में मिलती है ओवरी, एक स्ट्रक्चर जिससे बनते हैं फीमेल गैमेट्स। यहाँ पर भी ओवरी मिलेगी और जो ओवरी की लोकेशन है, वो ओवरी की लोकेशन कॉकरोच के 2 से 6 सेगमेंट के बीच में मिलती है। मतलब ये ओवरी जो है, ये 2 से लेके 6 सेगमेंट तक पाई जाती है और इनके पास 2 ओवरी पाई जाती है और ये पूरा का पूरा एक ओवरी, ये भी पूरी की पूरी एक ओवरी। यहाँ पर ये एक ओवरी 8 ओवेरियोल से मिलकर बनती है। जी हाँ, 8 ओवेरियोल्स आपके मिलकर एक सिंगल ओवरी बनाते हैं। यहाँ पर एक मैंने एक ओवरी ओवेरियोल्स का स्ट्रक्चर दिखाया है, तो आप इसको देखिए, सेम ऐसे ही अगर आप 8 ओवेरियोल्स लेते हैं, इनको कंबाइन कर देते हैं, तो कंबाइन करने के बाद आपका एक सिंगल ओवरी जनरेट होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ओवेरियोल्स का डायग्राम। ओवेरियोल्स में 3 पार्ट होते हैं, पेडिसिल, एग ट्यूब एंड टर्मिनल फिलामेंट। दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द ओवेरियोल्स, जिसमें से जो आपका टर्मिनल फिलामेंट है, इट इज द एंड पार्ट ऑफ द ओवेरियोल। ठीक है, ये एंड पार्ट है किसका? इस ओवेरियोल का। और जब ये एंड पार्ट, जब बहुत सारे ओवेरियोल का टर्मिनल फिलामेंट आपस में जुड़ जाता है, तो उनके कॉम्बिनेशन से बनता है लिगामेंट, जिसको हम ओवेरियन लिगामेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिगामेंट कैसे बनता है? जब बहुत सारे ओवेरियोल का टर्मिनल फिलामेंट आपस में अटैच हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है, कौन सा? एग ट्यूब का। एग ट्यूब के हम 2 पार्ट फर्दर बनाते हैं। पहला बनाते हैं जर्मेनियम। पहला पार्ट कौन सा है? जर्मेनियम। और दूसरा पार्ट कौन सा है? विटिलेरियम। तो विटिलेरियम एंड जर्मेनियम, ये 2 पार्ट है। जर्मेनियम के अंदर क्या होता है? यहां पर पाए जाते हैं जर्म सेल्स। और आप लोगों ने पढ़ा है जर्म सेल्स का जो होते हैं, इनका फंक्शन होता है गैमिट्स को बनाना। सो जर्म सेल्स यहां पर जो पाए जा रहे हैं जर्मेनियम में, वो क्या करेंगे? वो यहां पर गैमिट्स को बनाएंगे। फीमेल गैमिट को हम क्या कहते हैं? ओवा। दैट मींस यहां पर ओवा का प्रोडक्शन होता है। ओवा मतलब फीमेल गैमिट्स का प्रोडक्शन होता है। लेकिन जो फीमेल गैमिट्स जर्मेनियम के अंदर बनती हैं, वो मैच्योर होने के लिए कहाँ आती हैं? वो मैच्योर होने के लिए इस विटिलेरियम के अंदर आती हैं, इस विटिलेरियम के अंदर आती हैं। और यहाँ पर आने के बाद ये एग्स क्या होती हैं? ये एग्स मैच्योर होती हैं। सो हम कह सकते हैं विटिलेरियम के अंदर एग्स का मैच्योरेशन हो रहा है, जबकि आपके जर्मेनियम के अंदर फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स हो रहा है। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है पेडिसिल। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक ओवरी दिखाई है, यहाँ पर एक ओवेरियोल दूसरे ओवेरियोल से यहां पर आके कनेक्ट हो रखा है। मतलब एक का पेडिसिल दूसरे के पेडिसिल से कनेक्ट हो रखा है। तो यहां पर 8 की 8 ओवेरियोल्स आपस में कनेक्ट हो रखी हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक बार में एक ओवरी से 8 एग्स निकल सकती हैं। यू कैन से 8 फीमेल गैमिट्स। तो 8 फीमेल गैमिट्स कैन बी रिलीज बाय अ सिंगल ओवरी एट अ टाइम। तो एक ओवरी एक बार में 8 गैमिट रिलीज कर सकती है, बट क्योंकि इनके पास पेयर ऑफ ओवरी है, तो ये एक बार में कितने फीमेल गैमिट रिलीज कर सकती हैं? 16 फीमेल गैमिट ये एक बार में रिलीज कर सकती हैं। ठीक, अब यहां पर देखिए, ये जो हर किसी के ओवरियोल के पेडिसिल के कंबाइन होने से जो नया स्ट्रक्चर बना है, इसको हम बोलते हैं ओविडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। तो 2 ओवरी के ओविडक्ट जब आपस में कंबाइन करते हैं, तब वो बनाते हैं कॉमन ओविडक्ट। जब 2 ओवरी के ओविडक्ट कंबाइन करते हैं, तो क्या बनाते हैं? ओविडक्ट। इस चीज को थोड़ा और देखते हैं। देखिए, ये ओविडक्ट था, ये भी ओविडक्ट था, दोनों ओविडक्ट कंबाइन करके ये वाली चीज जो बनी है, इसको बोलते हैं कॉमन ओविडक्ट, क्योंकि ये दोनों ओविडक्ट का एक कॉमन पैसेज है। अब इस कॉमन ओविडक्ट की जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं फीमेल जेनाइटल पोर। फीमेल जेनाइटल पोर कहते हैं इस ओपनिंग को। अब इसी कॉमन ओविडक्ट के अंदर हमें एक पेयर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं स्पर्मथी का। ये जो स्पर्मथी का आप देख रहे हैं, ये कहाँ होता है? ये इसी ओविडक्ट के अंदर सिचुएटेड होता है। यहाँ पर आप देखेंगे, सो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज स्पर्मथी का, और ये पेयर में होते हैं, एक लेफ्ट होता है और एक
राइट होता है, एक लेफ्ट स्पर्मथीका और एक राइट स्पर्मथीका, बट राइट स्पर्मथीका इज नॉन फंक्शनल। जो राइट वाला स्पर्मथीका होता है वो फंक्शन नहीं करता, वो नॉन फंक्शनल होता है, जबकि लेफ्ट वाला आपका फंक्शनल होता है। फीमेल की बॉडी में जो मेल से गैमेट्स आते हैं वो गैमेट्स कहां पर स्टोर होते हैं, स्पर्मथीका के। तो हम कह सकते हैं कि स्पर्मथीका क्या हो गए, स्पर्मथीका एक तरह के गेस्ट हाउस हो गए, ताकि जो बाहर से गेस्ट आ रहे हैं वो कहां रुक रहे हैं, वो इस स्पर्मथीका के अंदर रुकेंगे। दैट मींस जो मेल गैमेट्स है वो स्पर्मथीका के अंदर स्टोर होंगे। और इस स्पर्मथीका की ओपनिंग को हम कहते हैं स्पर्मथीकल अपर्चर। अपर्चर इन द सेंस ओपनिंग की बात करते हैं, जब भी हम अपर्चर की बात करेंगे दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अपर्चर और यू मीन से पोर। उसके बाद यहां पर आपको जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा आप यहां पर देखेंगे, ये आपको जो बोट लाइक शेप देखने को मिल रही है, दिस इज बोट लाइक शेप, एंड दिस बोट लाइक शेप इज नोन एज जेनाइटल चैम्बर। इसको हम क्या बोलेंगे, जेनाइटल चैम्बर। और जो आप यहां पर देख रहे हैं नीचे वाला पार्ट, दिस इज वेस्टिब्यूलम, और यहां पर आप दो देख रहे हैं, दो आपको देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं गोनोफाइसिस। गोनोफाइसिस क्या होता है, दीज आर द सिक्स काइटिनस प्लेट। ये छह काइटिन की प्लेट्स होती हैं जो कि फीमेल जेनिटल ओपनिंग के जस्ट साइड में होती है, ठीक है। सो यहां पर ये आपको देख रहे हैं गोनोफाइसिस इनका, और उसके बाद ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके अंदर आपको एक स्ट्रक्चर और देखने को मिलेगा जिसे हम बोलते हैं कोलेटरल ग्लैंड। दिस इज लेफ्ट कोलेटरल ग्लैंड एंड दिस इज राइट कोलेटरल ग्लैंड। इनका भी काम कुछ हद तक रिप्रोडक्शन में होता है, ये भी आपके करते क्या है कि हम आगे पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, तो हम पढ़ेंगे ऊथीका फॉर्मेशन। तो ऊथीका की फॉर्मेशन के बाद जो ऊथीका को कवरिंग दी जाती है, उस कवरिंग को देने में इन कोलेटरल ग्लैंड का हाथ होता है। हम आगे पढ़ेंगे अभी ऊथीका का, तभी आपको समझ में नहीं आएगा ऊथीका का, तो बस इतना याद रखिए कि आगे चलकर ऊथीका बनता है जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, तब बनता है ऊथीका। तब हम वहां पर पढ़ेंगे कि ऊथीका के ऊपर कवरिंग जो है वो आपके कोलेटरल ग्लैंड कैसे दिया करते हैं और क्यों दिया करते हैं। तो यहां पर ये आपको उस पार्ट याद होने चाहिए, जैसे कि यहां पर ये वाला पार्ट आपको हो गया वेस्टिबुलम हो गया, ये पूरा पार्ट जो आपको दिख रहा है दिस एम्प्टी स्पेस, और ये वाले पार्ट जो आपको दिख रहे हैं ब्लू वाले, दीज आर दी गोनोफाइसिस, और ये जो आपको बोट लाइक शेप देखने को मिल रहा है इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम जेनाइटल चैम्बर बोल रहे हैं। और इसी जेनाइटल चैम्बर के जस्ट सामने फीमेल जेनाइटल ओपनिंग होती है, फीमेल जेनाइटल ओपनिंग होती है, इसीलिए उसे हम जेनाइटल पोर भी कहते हैं। तो दोस्तों आज ये हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक है, जो डायग्राम के बेस का जो टॉपिक है जिसमें हम सिर्फ डायग्राम के लिए बात करेंगे, वो टॉपिक यहाँ पर ओवर होता है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे फर्टिलाइजेशन। तो अभी हमने इसके सिर्फ डायग्राम को समझा है, तो डायग्राम को कैसे समझा है, तो हमने ये पढ़ा है कि फीमेल कॉकरोच के पास दो ओवरीज पाई जाती है, एक लेफ्ट और एक राइट। ओवरीज की पोजीशन 2 to 6 सेगमेंट के बिटवीन होती है। एक ओवरी 8 ओवेरियोल से बनी होती है और एक ओवेरियोल एक फीमेल गैमेट रिलीज करता है, यानी कि एट अ टाइम दोनों ओवरी 16 फीमेल गैमेट रिलीज कर सकती है। ये फीमेल गैमेट जो है, और हमने जब बात करी कि ओवेरियोल की, तो हमने इनके डायग्राम देखे, क्या देखा हमने, टर्मिनल फिलामेंट एक्टिव एंड देन पेडिसिल, एक्टिव के अंदर जर्मेनियम एंड विटलारियम। तो जर्मेनियम के अंदर गैमेट्स बन रहे थे, विटलारियम के अंदर क्या हो रहे थे, मैच्योर हो रहे थे, और पेडिसिल के थ्रू वो ओविडक्ट के अंदर आ गए, और दो ओवरी के ओविडक्ट मिलकर बनाते हैं कॉमन ओविडक्ट, एंड द ओपनिंग ऑफ कॉमन ओविडक्ट इज नोन एज फीमेल जेनिटल पोर कहते हैं उसे हम। तो यहाँ पर फीमेल जेनिटल पोर से पहले ही आपको एक स्ट्रक्चर और देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं स्पर्मथीका। स्पर्मथीका यहाँ पर पेयर में होगा लेफ्ट और राइट, बट यहाँ पर फंक्शनल कौन सा होगा, सिर्फ लेफ्ट वाला। और ये आपका स्पर्मथीका होता क्या, ये मेल गैमेट्स को रिसीव करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं पूरा का पूरा, यहाँ पर एक वेस्टिब्यूलम पूरा एम्प्टी स्पेस, देन यहाँ पर आपको दोनों साइड पे देखें गोनोफाइसिस, एंड दीज आर द सिक्स काइटिनस प्लेट व्हिच इज सराउंडेड बाय व्हिच सराउंड द फीमेल जेनिटल पोर, और यू कैन सी ओपनिंग। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर एक बोट लाइक शेप जिसे हम जेनिटल चैम्बर कह रहे हैं, इसी के सामने जस्ट ओपनिंग होती है, इसीलिए उसे जेनिटल पोर या फीमेल जेनिटल पोर भी कहते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहाँ खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू।